नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। चंद्रयान 2 को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की तस्वीरें, कहा चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की हुई थी हार्ड लैंडिंग। नासा ने कहा अक्टूबर में लैंडर की तस्वीरें लेने की फिर होगी कोशिश, विक्रम लैंडर से 7 दिसंबर को इसरो का टूट गया था संपर्क। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी, आतंकवाद और पाकिस्तान पर फिर होगा तगड़ा प्रहार। पीएम मोदी के भाषण को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने प्रधानमंत्री का करेंगे भव्य स्वागत। पीएम मोदी के संबोधन के कुछ देर बाद इमरान खान का होगा भाषण, यूएनए के मंच से जम्मू कश्मीर मुद्दे पर करेंगे बात। न्यूयॉर्क में इमरान खान ने स्वीकारी बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात, कहा पता था भारत कार्रवाई करेगा, हम बमबारी करते तो बढ़ता विवाद। 7 दिनों के विदेशी दौरे से 28 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर बीजेपी कर रही है भव्य स्वागत की तैयारी। सार्क देशों की बैठक में नहीं मिले भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, शाह महमूद कुरैशी ने जयशंकर के भाषण से चुराया मुंह। सार्क बैठक को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित, कहा विकास के लिए पहले आतंकवाद का खात्मा जरूरी। हरियाणा में आज जारी होगी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना, 4 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 अक्टूबर को होगी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच, 7 अक्टूबर 2019 तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का फार्मूला तय, बीजेपी 144, शिवसेना 126 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। चुनाव आचार संहिता के दायरे में आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लागू होगी आचार संहिता। आयोग बोला महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से ही होगा पालन, उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी निगरानी। बैंक घोटाला मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे शरद पवार, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दक्षिण मुंबई में धारा 144 लागू। काला हिरण मामले में सलमान खान की आज कोर्ट में होगी सुनवाई, जोधपुर कोर्ट नहीं पहुंचने पर रद्द हो सकती है जमानत। जम्मू कश्मीर में 2 से 3 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका, पूरी रात चला सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा के मद्देनजर 52 स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के संदेह में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ के बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार पर साधा निशाना, कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अर्थव्यवस्था की नहीं है जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू, वीवीपैट पर्ची से डाले गए वोटों का किया जाएगा मिलान। एस जयशंकर ने ब्राजील, जापान और अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठकें, भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर नेताओं ने दिया जोर। भारतीय नौसेना में शनिवार को शामिल होगी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी खंडेरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी, सेना की ताकत और होगी मजबूत। सीबीआई कोर्ट में आज पेश होंगे पूर्व सीएम कल्याण सिंह, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने तक पेशी से मिली थी छूट। हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिरोमणि अकाली दल पार्टी, अकेले विधायक के भाजपा में शामिल होने के बाद लिया फैसला। कर्नाटक में 15 सीटों पर उपचुनाव टलने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने दिया बयान, बोले चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय का हस्तक्षेप संवैधानिक दृष्टि से चौंकाने वाला। उच्च शिक्षा और रोजगार की रिपोर्ट पर सुरजेवाला का हाउडी मोदी पर तंज, बोले युवा पूछ रहे हाउडी एजुकेशन और हाउडी अनएम्प्लॉयमेंट। मेहुल चौकसी पर एंटीगुआ के पीएम की टिप्पणी पर कांग्रेस का कटाक्ष, सुरजेवाला बोले भाई को बचाने का षड्यंत्र करने वालों की खुली पोल। दिल्ली में एनआरसी मुद्दे पर जारी है राजनीतिक घमासान, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पटना हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, राज्य निर्वाचन आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति। करतारपुर यात्रा की प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक की जाएगी सार्वजनिक, पंजाब के मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने दी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी बैंकों के साथ बैठकों के बाद जताई उम्मीद, बोली आने वाले दिनों में और तेजी से रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था। अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर में की कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता, आतंक रोधी अभियान तेज करने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के दिए निर्देश। सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में मुकुल राय को किया तलब, फर्जी कंपनियों के प्रतिनिधियों से पैसे लेने का लगा है आरोप।
सार्वजनिक कंपनियों में बड़ा फेरबदल कर सकती है मोदी सरकार। कानून में बदलाव कर 51% से कम कर सकती है हिस्सेदारी। अब पूरे देश में लागू किया जाएगा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112। केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी ने एकल आपात हेल्पलाइन के लिए जारी किया निर्देश। घरेलू ग्राहकों के लिए स्पाइस जेट देगा नई सौगात। देश के ज्यादातर शहरों के लिए शुरू करने जा रहा है 46 नई उड़ाने। राजस्थान के किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगा फसली ऋण का पैसा। सीएम गहलोत ने 5,00,000 किसानों के लिए जारी किए 600 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर दिया जोर। बोले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति असंतोषजनक। हैदराबाद में भारी बारिश से हुसैन सागर नहर की ढही दीवार, 200 घर डूबे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में मध्यम बारिश का जताया अनुमान। धान की खरीद तैयारियों को लेकर सीएम अरविंदर सिंह ने की समीक्षा बैठक। 170,00,000 टन की खरीद का लक्ष्य देकर चल रही है सरकार। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर लगाया आरोप। बोले, आरजेडी नेता के दिल में भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर। यूपी के सीएम योगी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर दिया जोर। बोले, 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एक जिला एक उत्पाद की होगी अहम भूमिका। सतारा से पृथ्वीराज चौहान को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है कांग्रेस। एनसीपी सांसद उदयन राजे भोसले के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। महाराष्ट्र में जोर शोर से शुरू हुआ नवरात्रि महोत्सव। अमरावती से सांसद नवनीत कौर ने उत्सव में नृत्य कर लोगों को दी बधाई। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका से बातचीत को लेकर दिया जवाब। बोले, प्रतिबंध हटे तो तेहरान निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप से करेगा बात। भारत दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के बीच दूसरा T20 मैच रद्द। लगातार बारिश के कारण नहीं हो सका मुकाबला। भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बना रखी है बढ़त। रविवार को खेला जाएगा T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला। बारिश की वजह से धुला 3 दिवसीय अभ्यास मैच का पहला दिन। बोर्ड अध्यक्ष एकादश और दक्षिण अफ्रीका के बीच नहीं हो सका टॉस। पाकिस्तान श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज। 10 साल बाद किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा कराची। भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने मैनेजमेंट पर लगाए आरोप। कहा, यो टेस्ट पास करने के बावजूद टीम में नहीं मिली जगह। देखते रहिए सुपर फास्ट। नमस्कार।